चले भाई जल्दी से आइए, टॉस करें, आए टॉस करें, आइए उसामा, जैन तुम्हारी हो टॉस, आओ हेड या टेल आवाज लगाओ। कोई नहीं, क्या है दोबारा, चलें जी टेल, चलें जी करो करो करो, तुम्हारा प्लेयर काम है, फील्डर की जरूरत है, आ गया, चलो जी चलो एम्पायर आओ, नहीं नहीं तुम आओ एम्पायर, तुम आओ, चले यार जल्दी जल्दी हरी अब टाइम नहीं है, नहीं नहीं ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये बहुत जोर की लगती है, जाना नहीं बात करनी, चलें जी हरी आप, आ रहा है मैं फील्ड कर रहा हूं, तुम्हारी तरफ से भी कर रहा हूं, उनकी तरफ से भी कर रहा हूं। वेलकम बैक वंस अगेन, और आज एक मरतबा फिर दोनों टीमों को खुशामदीद कहते हैं, और आज का मैच दुबई में खेला जा रहा है जहां पर 10 लाख से ज्यादा शायकीन क्रिकेट मौजूद, और यहां पर पहली बॉल पर एम जयसन का शानदार आगाज अपनी टीम के लिए, और फजीला मैंगो इस बार भी इस बॉल को रोकने में नाकाम, और पहली बॉल पर चांद पे जाने वाले शानदार बाउंड्री एम जयसन की, जैन बलोच बॉल घुमाते हुए अंपायर के पास से गुजरे, बॉल की भरपूर कदमों का इस्तेमाल, और यहां पर देखना होगा, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में रन आउट किया फयाज को, ये आउट नहीं था, ये आउट, और जैन बलोच की दूसरी बॉल पर शानदार कामयाबी, फयाज जो कि हमेशा बहुत उम्दा अंदाज बैटिंग करते हैं अपनी टीम के लिए, नहीं यहां आउट नहीं था, मैं खड़ा देख रहा हूं, नहीं नहीं ये मना है ना यार, वो रिप्ले क्या, नहीं नहीं दोनों अंदर थे, रिप्ले ये तो मैं भी देख रहा हूं, उसमें बल्ला बहुत आगे था उसका, देख ले खुद देख ले, पीछे पीछे हरी अप हरी अप हरी अप, नहीं नहीं वैसे तो दो टेप आए, एक दो दो टेप, दो, और उसके बाद तुमने ये फेंकी है, ये वाला है ना जहां, प्लस टू ये जाएगा, और यहां पर मजीद नहीं, नहीं। के स्कोर में दो रन का इजाफा, तीन बॉले छह रन, और यहां पर अरिशे तुम हट जाओ या फजीला को हटा दो, ये थ्रो का है ना, आ जाओ दो रन, हाँ हाँ बॉल बॉल काउंट है, चलो चलो एक मिनट साइलेंस रेडी, जैन बलोच अपने ओवर की चौथी बॉल करेंगे, और इस बार एम जयसन खेलना चाहते थे मगर बीट हुए, और इस बार सिकंदर जैन की जानिब से अच्छी बॉलिंग, चार बॉले छह रन, जैन बलोच आए अंपायर के पास से गुजरे, बॉल की इस बार बॉल सीधा फयाज के हाथों में, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, और यहां पर फैसल भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी, शानदार अंदाज में बॉल को कट किया, कैच किया, और एक और नुकसान चेक चौकर्स के लिए, पांच बॉले छह रन एक विकेट के नुकसान पर, जान से उड़ाया नए आने वाले बल्लेबाज शईर,
चप्पल उतारकर, जूते उतारकर, मोजे उतारकर मैदान में मौजूद। और इस बार बाबर अपील करते हुए अंपायर से और बहुत करीब से गुजरा बॉल और बाबर ना कर यार ये। पहले ओवर का खेल मुकम्मल। पहले ओवर के अख्तिताम पर टिकटॉकर्स का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन्स 2 विकेटों के नुकसान पर। और आज पाकिस्तानी स्टार्स की जानिब से शानदार बॉलिंग, टिकटॉकर्स का स्कोर रोक दिया है पाकिस्तानी स्टार्स के तमाम खिलाड़ियों ने। फयाज सामना करेंगे सिकंदर का। सिकंदर अपने पॉइंट पर मौजूद बॉल की और इस बार बॉल करीब से गुजरता हुआ तेजी के साथ बाउंड्री लाइन से बाहर। द नेक्स्ट बाउंड्री फॉर टिकटॉकर्स। और यहां पर फयाज सामने वापस आते हुए और इस बार कट बिहाइंड की अपील। और यहां पर अंपायर का इशारा चेक करना होगा और अंपायर इस डिसीजन को लेने में थोड़े से कंफ्यूज। और हतमी फैसला अंपायर का बॉल काउंट होगी ये। और इस बार भरपूर का भरपूर कलाइयों का इस्तेमाल मगर फैसल भाई की शानदार फील्डिंग और तमाम खिलाड़ी फैसल भाई को दाद दिए बगैर नहीं रह सके। शायर आए कदमों का इस्तेमाल किया बॉल सीधा उसामा के हाथों में और इस रन के साथ 4 बॉले 12 रन। और इस बार फयाज ने जगह बनाई कदमों का इस्तेमाल किया मगर अंपायर का इशारा आउट। और यहां पर कमर तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी टिकटॉकर्स की। और पाकिस्तान स्टार्स के तमाम खिलाड़ी मैदान में शोर करते हुए। आज पाकिस्तान स्टार्स की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार और फयाज जो कि हमेशा अपनी टीम के लिए अपनी टीम की बैकबोन साबित होते हैं आज कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान स्टार्स के तमाम खिलाड़ी उन्हें टिकटॉकर्स की बैकबोन ब्रेक किया। 5 बॉले 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर नबील शहजाद सामना करेंगे स्लो बॉल। और इस बार अंपायर का हाथ हवा में लहराते हुए 4 रन के लिए। उसी के साथ 2 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 2 ओवर्स के अख्तिताम पर टिकटॉकर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अरीश सोमरो तीसरा ओवर करेंगे अपने पॉइंट पर मौजूद। और आज टिकटॉकर्स के सारे बल्लेबाज अंडर प्रेशर और फयाज जो कि हमेशा आखिरी ओवर तक खड़े रहते हैं मैदान में आज वो बहुत जल्दी आउट हुए। स्कोर क्या सामना करेंगे। अरीश ने बॉल की और आती के साथ ही स्कोर बॉल और इस व्हाइट बॉल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। अरीश ने बॉल की और इस बार शोएब खेलना चाहते थे मगर बीट हुए। आज टिकटॉकर्स की किस्मत उनके साथ नहीं। अरीश ने विकेटों को निशाना लिया और इस बार अंपायर का इशारा चेक करेंगे। बहुत ही बड़ा व्हाइट बॉल मजीद एक और रन का इजाफा टिकटॉकर्स के स्कोर में। अरीशे की नजरें शहीर की विकेटों पर, शहीर की नजरें अरीशे के हाथों पर। अरीशे ने बॉल की, बॉल पीछे डिप की और यहां पर जैन बलोच के पास से होता हुआ बॉल तेजी के साथ बाउंड्री लाइन से बाहर और 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 2 बॉले 22 रन। अरीशे ने अगली बॉल की स्लो बॉल और इस बार अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल और इस व्हाइट बॉल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन 2 बॉले 23 रन। अभी भी टिकटॉकर्स के पास 4 गेंदे बाकी अपना स्कोर बढ़ाने के लिए। और सिकंदर मैदान में आकर समझाते हुए बॉल कराते हुए नहीं बोल सकते। तुम्हें पता है कमेंटेटर अलाउ नहीं होता बॉल कराते हुए। ग्राउंड कमेंटेटर अलाउ नहीं होता बॉल होते हुए। अरीश अगली बॉल करने के लिए तैयार बॉल की और इस बार अरे यार हाथ तो डालो यार। शानदार स्ट्रेट ड्राइव और यहां पर मजीद 4 रन का इजाफा और 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन 4 बॉले 27 रन। और बहुत पीछे टिप की यहां पर। अरीश ने शॉर्ट पिच बॉल था शायद इस बार खेल सकते थे मगर बीट हुए। 5 बॉले 4 बॉले 27 रन। अरीश ने अपने ओवर के 5वें बॉल की और इस बार शायर का शानदार कदमों का इस्तेमाल कलाइयां घुमाई और इस बार भी स्ट्रेट ड्राइव किया और इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 5 बॉले 31 रन। शायर 5 बॉले 31 रन। अरीश अपने ओवर की आखिरी बॉल करेंगी। अरीश बॉल्स को चेक करते हुए अपने पसंद की बॉल उठाई बॉल की और इस बार बॉल सैन के ऊपर से होता हुआ तेजी के साथ बाउंड्री लाइन से बाहर और उसी के साथ 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 3 ओवर्स के अख्ताम पर टिकटॉकर्स के बल्लेबाजों ने बनाए
35 रन और पाकिस्तानी स्टार्स को ये मैच जीतने के लिए 18 गेंदों पर 36 रन की जरूरत। अब देखना होगा कि आज का मैच किसके हिस्से में आता है। वेलकम बैक वंस अगेन। आज का मैच दुबई में खेला जा रहा है जहां पर 12 लाख से ज्यादा शायकीन है क्रिकेट मौजूद और पूरे पाकिस्तान की नजर है आज के मैच पर। और देखना होगा कि आज का मैच किसके हिस्से में आता है और किसके सर पर सजता है जीत का ताज। दोनों टीमें आमने सामने एक मरतबा फिर मध्य मुकाबिल और आज टिकटॉकर्स के बल्लेबाजों ने बनाए 3 ओवर्स में 35 रन और पाकिस्तानी स्टार्स को यह मैच जीतने के लिए 18 गेंदों पर 36 रन की जरूरत। स्टेट एम्पायर शहरोज बिन आरिफ जो कि आज अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, सिकंदर सामना करेंगे और इस बार एम जयसन का कड़क शॉट और यहां पर वार्निंग दी गई अंपायर की जानिब से कि सिकंदर अब तेज शॉट नहीं खेल सकते और अगर सिकंदर ने अब तेज शॉट खेला तो वो आउट हो सकते हैं। और शानदार आगाज पाकिस्तानी स्टार्स का एम जयसन आए बॉल की और इस बार अच्छा बॉल और इस बार बहुत करीब से गुजरी बॉल मगर शहीर की अच्छी कोशिश और पाकिस्तानी स्टार्स के दोनों चीतों ने तेजी के साथ इस रन को मुकम्मल किया। 2 बॉले 5 रन और फजील अब्दुल्ला के लिए तालियां बजाते हुए उनको अप्रिशिएट करते हुए और अब्दुल्ला कंफ्यूज थोड़ा सा मैदान में। सामना करेंगे एम जयसन का, एम जयसन आया है बॉल की और इस बार ईशा जो कि आज ऑरेंज बनकर आई है, ऑरेंज जूते, ऑरेंज टी शर्ट, ऑरेंज बैंड, 3 बॉले 6 रन पीछे रख के ओके भाईजान एम जयसन आए बॉल क्यों इस बार सिकंदर ने शानदार बल्ले को घुमाया और मजीद 4 रन अपनी टीम के नाम किए। 4 बॉले 10 रन और इस बार बैट को लगी है, अंपायर का इशारा चेक करेंगे, अंपायर के हतमी फैसले का इंतजार, तमाम निगाहें मैदान की जानिब मरकूज। 5 बॉले 10 रन और इस बॉल पर कोई रन नहीं बन सका और सिकंदर ने वार्निंग की है कि एम जयसन जो कि जादूगर साबित होते हैं हमेशा अपनी टीम के लिए तेज बॉल कर रहे हैं और इस बार सिकंदर का आखिरी बॉल पर शानदार शॉट। एम्पायर आप हैं, फैसल भाई एम्पायर एम्पायर एक सेकंड, आप वार्निंग दी अभी आपने पहले, आप वार्निंग एम्पायर हैं, आउट है ये, आउट है, आउट है ये। और इस बार टिकटॉकर्स की पहली कामयाबी और सिकंदर जो कि जारियान अंदाज में बैटिंग कर रहे थे जिनको वार्निंग दी गई थी कि वो अब तेज शॉट नहीं खेल सकते लेकिन अगेन उन्होंने तेज शॉट खेला जिसकी वजह से सिकंदर आउट हुए और इसका एडवांटेज होगा यकीनी तौर पर टिकटॉकर्स को। पहले ओवर के अख्तिताम पर टिकटॉकर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हो जाता है ह्यूमन इज अर इंसान खता का पुतला है। लेफ्ट ए देयर इज नॉट अ बिग डील बाय द वे। ज़ैन बलोच अगला ओवर करेंगे। ईशा जिनके जूते भी ऑरेंज हैं, टी शर्ट भी ऑरेंज है और इनके हाथ में अंगूठियां भी ऑरेंज हैं। शने बॉल की और इस बार बड़ी खूबसूरत अंदाज में बच्चों की तरह इस शॉट को स्ट्रेट ड्राइव किया, मजीद 4 रन का इजाफा। ईशा अगली बॉल करने के लिए तैयार, अंपायर के पास से गुजरी बॉल की और इस स्लो बॉल का भरपूर फायदा उठाया अब्दुल्ला ने और इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन 2 बॉले 18 रन और एक मतलब अच्छी शानदार कोशिश मगर इस बार ईशा इस बॉल को रोकने में नाकाम। ईशा एक मरतबा फिर बॉल की और इस बार एज हुआ यहां पर। चले चले 4 बॉले 22 रन ईशा ने बॉल की और इस बार अब्दुल्ला ने खेला फाइन लेग पर मगर फील्डर मौजूद और यहां पर कॉल की और टिकटॉकर्स के तमाम फील्डर्स ने 5 बॉले 22 रन।
बॉल है 22 रन, दो स्वीप हो गई है इसकी। इसे अपने ओवर की आखिरी बॉल करेंगी, अब्दुल्ला सामना करेंगे और इस बार बॉल सीधा फैसल भाई के हाथों में। I can't believe it, it's like a fantastic moment now। और यहां पर पास पलट दिया फैसल भाई ने और पूरे पाकिस्तान की नजरें फैसल भाई के कैच पर। और यहां पर एक और नुकसान पाकिस्तान स्टार्ट्स के लिए और टिकटॉकर्स की एक और कामयाबी और उसी के साथ दो ओवर का खेल मुकम्मल। दो ओवर के अख्ताम पर पाकिस्तान स्टार्ट्स का बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। ये मैच आखिरी मराहिल में दाखिल, पाकिस्तान स्टार्स को ये मैच जीतने के लिए 6 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 14 रन्स की जरूरत। आखिरी ओवर करेंगे शाहिर, शाहिर के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी। शाहिर आए बॉल की और इस बार जैन बलोच का पॉइंट लेग पर शानदार शॉट बहुत तेजी के साथ बाउंड लेग से बाहर। 5 बॉलों पर 10 रन की जरूरत पाकिस्तान स्टार्स को यह मैच जीतने के लिए। बॉल की और इस बार बहुत ही गरीब मामला, चैंस और आउट और इस रन को मुकम्मल नहीं किया पाकिस्तान स्टार्स के बल्लेबाजों ने। 4 बॉलों पर 10 रन की जरूरत और इस बार खेल और इन पर चेक करना होगा और अंपायर का इशारा नॉट आउट और पाकिस्तान स्टार्स के दोनों बल्लेबाजों ने इसी के साथ इस रन को मुकम्मल किया और पाकिस्तानी स्टार्स को यह मैच जीतने के लिए 3 बॉलों पर 9 रन की जरूरत। और देखना होगा कि आज का मैच किसके हिस्से में आता है। दुबई में शानदार मैच, पूरे पाकिस्तान की नजर आज के मैच पर और बहुत ही गरीब मामला और उसी के साथ रन को मुकम्मल किया। 2 बॉलों पर 8 रन। म्यूजिक थोड़ा सा हल्का करें और अगर पाकिस्तानी स्टार्स को यह मैच नाम करता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी स्टार्स 2 बॉलों पर 8 रन, 2 बाउंड्रीज चाहिए, 8 रन की जरूरत पाकिस्तानी स्टार्स को यह मैच जीतने के लिए। जैन बलोच सामना करेंगे शाहिर का। जैन बलोच का एटीट्यूड आसमान पर छूता हुआ, जैन बलोच कुछ पढ़ाई करते हुए बल्ले पर फूके मारते हुए शाहिर आए बॉल की और इस बार बॉल कर दिया और यहां पर विकेट उड़ा दी शाहिर ने और बॉल जैन बलोच के लंबी लंबी टांगों के बीच में से गुजरता हुआ तेजी के साथ सीमा के हिस्सों में और जैन बलोच आउट हुए और जैन बलोच अपना सर झुकाकर नजरें नीचे कर पवेलियन लौटते हुए और अभी भी पाकिस्तान स्टार्स को यह मैच जीतने के लिए 1 बॉल पर 8 रन की जरूरत और काफी मुश्किल बनाया आज के मैच टिकटॉकर्स ने। वो क्रॉस लेग किया उसने सीधा यॉर्कर कर दिया और आखिरी बॉल शाहिर आए बॉल की, फजीलो का बॉल की स्लो बॉल और यहां पर हेड विकेट आउट। 3 पॉइंट्स टिकटॉकर्स। प्यार हो गया किसी से यार हमें, प्यार हो गया बातों बातों में बता दिया, दिल तुमने ना हमें चुरा दिया। प्यार हो गया किसी से यार हमें, प्यार हो गया बातों बातों में बता दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल कुरैशी। बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा।